नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लॉजिक का पेपर आपका है, यानी फिलॉसफी के बीए सेकेंड ईयर के बच्चे, लॉजिक आपके लिए बहुत एक चुनौती भरा विषय है। लेकिन लॉजिक का पेपर किस तरीके से आएगा और क्या क्या सवाल गेस हो सकते हैं, मैंने एक पूरी लिस्ट बना ली है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पीछे जो लिखा है उसको देखेंगे, इतनी जल्दी भाग मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़रूरी आपके लिए है। लॉजिक के पेपर में जो बच्चे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो सीधे न्यूमेरिकल पर फोकस करें, लेकिन जो बच्चे न्यूमेरिकल कभी किए ही नहीं है वो सीधे थ्योरी पढ़ें और इतनी थ्योरी पढ़ें कि आपका काम इससे हो जाए। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं लिखी गई, जैसे ट्रुथ टेबल आपका है, फैलेसी आपकी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड इसमें नहीं की जो न्यूमेरिकल का पार्ट है। लेकिन थ्योरी का जो पार्ट है वो हमने इसको गेस किया है कि क्या क्या चीज़ें पेपर में आपकी आ सकती हैं। लेकिन भैया, कोई प्रिडिक्शन लॉजिक में कर ही नहीं सकता, कोई न्यूमेरिकल भी कोई नहीं बता सकता, थ्योरी भी कोई नहीं बता सकता। एक बार जान लीजिए, पूरा पढ़िए, थ्योरी पढ़िए तो थ्योरी ही पढ़िए, न्यूमेरिकल करिए तो न्यूमेरिकल ही आप करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। जो टिप्पणी हमारा है, टिप्पणी में आप तैयार करिए पहला उभयता पास, दूसरा संग्रह और विग्रह दोष, यानी कि संग्रह दोष और विग्रह दोष, तर्कशास्त्र की परिभाषा, युक्ति और युक्ति आकार और भाषा के कार, ये आप इतना टिप्पणी में तैयार करिए। पाँच उपपाठ टिप्पणी के लिए है, ये सारे विद्यार्थियों के लिए। अगर सारे विद्यार्थी टिप्पणी तो सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी तो बाद में आता है आपका, लेकिन पहले टिप्पणी तो कंपलसरी है, दो टिप्पणी आपको करनी है, तो इतना आप इसमें तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि पहले तो अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बात हम करते हैं कि तर्कवाद की क्या है, परंपरागत प्रकारों का उदाहरण व्याख्या करिए, यानी तर्कवाद के परंपरागत प्रकारों का उदाहरण व्याख्या करिए। ये पहला आपका सवाल है, तर्कवाद क्या है, इसके क्षेत्र विशेष रूप, इससे अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा है जो थ्योरी का सवाल है, औपचारिक और अनौपचारिक तर्क दोष क्या होता है, इसकी व्याख्या करें, औपचारिक और अनौपचारिक तर्क दोष। तीसरा सवाल है परिभाषा के प्रकार की व्याख्या करें, परिभाषा और उसके प्रकार की व्याख्या करें, आपका तीसरा सवाल है। और इसके बाद वेन डायग्राम की बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले बच्चे हैं, वेन डायग्राम की 2017 का अनसॉल्व खोलिए, 2017 के अनसॉल्व में बी वाला पार्ट इसको आप करिए, 2018 का चौथे सवाल का ए वाला पार्ट और 2016 का चौथे सवाल का बी वाला पार्ट। ये मैंने एक तरीके से अपने हिसाब से गेस किया है, उसमें कोई हम ऐसा नहीं बता रहे कि उनको सवाल ही रहा है, लेकिन इतना आप देख लीजिएगा इससे रिलेटेड आएंगे। देखिए, जो न्यूमेरिकल वाले बच्चे हैं वो सब सही कर ले जाएंगे, अगर आपको अपना क्लियर है मामला, अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर ले जाएंगे, उसमें आप इसके चक्कर में मत रहिए। लेकिन इस तरीके से मैंने बता दिया, उसको आप देख के चले जाइएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। पांचवा सवाल है सामान्यमान और युक्ति का मूल्यांकन के मानदंड क्या है, यानी सामान्यमान और युक्ति के मूल्यांकन के मानदंड की व्याख्या करें, ये आपका सवाल है। मिल की विधि एक में एक पक्का आएगी, यानी कि ये सवाल एकदम आउट है। मिल की विधि, अन्वय विधि बहुत पूछी जाती है, अन्वय विधि तैयार करिए, बाकी तीन विधियाँ तीनों तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल थ्योरी वाले पक्का पलटे जाए मिल की विधि। इसके बाद वैज्ञानिक व अवैज्ञानिक व्याख्या में सुधारण अंतर स्पष्ट करें, ये आपका सातवां सवाल है। अब यहाँ पर है युक्ति मूल्यांकन के मानदंड को स्थापित करिए, ए सबसे बी जो भी है यहाँ पे बी सी डू कर दीजिए वीडियो, सी ए निगेशन सी, इसलिए निगेशन ए डॉट निगेशन सी, ये आपका पहला सवाल है। दूसरा है कि क्या कहते हैं इसको, निगेशन ई, उसके बाद ये सवाल आप देख लीजिएगा, यफ है यहाँ पे, ये यफ है, आप देख लीजिएगा, ये यफ है, ये भी यफ है, ये ई है, ये वेज जी है, इसलिए ई वेज जी, ये आपका एक सवाल है। युक्ति मूल्यांकन के मानदंड को स्थापित करिए। एक दूसरा युक्ति वैधता आकारिक प्रमाण रचना, ये आपका सवाल है, यच वेज आई, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट फिर जे डॉट ए डॉट एल ब्रैकेट क्लोज, इसलिए वन अपॉन जे डॉट के डॉट, ये आएगा। और जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है पी अपॉन, इसलिए यच वेज निगेशन एच, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अब लॉजिक का पेपर तो मैंने इस तरीके से आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन भैया अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पूरा पढ़ के जाइए। अगर आप थ्योरी पे ही डिपेंडेंट हैं तो थ्योरी अभी पढ़ लीजिए, बहुत समय आपके पास है, खूब मन लगा के पढ़िए, 24 घंटा बहुत होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।